हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके सबसे पहले जो है कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन है। और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को एक टेम्पलेट का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, उस टेम्पलेट के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज टेम्पलेट इन कैपकट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आपका टेम्पलेट ओपन नहीं होता है तो यहाँ पे आप सभी को जो क्या करना है, एक कोई भी जो एक वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टर्बो वीपीएन, तो आप उसे यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई सा भी जो है वीपीएन यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज टेम्पलेट यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी गैलरी में फोटोज वीडियोज है वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, तो यहाँ पे आपको तीन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लिप्स। तो यहाँ पे आपको दो क्लिप में फोटो ऐड करना है और एक क्लिप में जो आप सभी को वीडियो ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को जो फोटो सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जो है सभी को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है जिससे सारे फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी फोटो है उस फोटो को आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा फोटो जो है ऐड कर लेना है। और यहाँ पे जो मिडिल वाला है यहाँ पे हमें जो कोई भी एक वीडियो ऐड करना है, तो वीडियो ऐड करने वीडियो सेक्शन पे जाने, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना। तो जिस फोल्डर में वीडियो है उस फोल्डर को आप सबको सिंपली ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद गाइस एक सब जो है एक बार प्ले करके आप सभी लोग देख सकते हैं। और चाहे तो आप फिर से यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को आप सभी को जो है एडिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बस एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चाहे तो जो है टेक्स्ट को आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको बैक चले लेना और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क यहाँ पे क्लिक कर देना है। बस उसके बाद आप का जो वीडियो है वो बन जाएगा। तो उम्मीद का तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसे देखो और भी कमिंग वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।